प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से अपने मन की बात की। मन की बात का 12वां एपिसोड रहा। सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए पीएम मोदी ने अपने करोड़ों फैंस को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक चेतना की अनुभूति हुई है। हर कोई एक ही भावना में बहते हुए नजर आया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने स्वच्छता अभियान और वैक्सीनेशन अभियान में भी देश की भावना को देखा था। जब तिरंगे की बात आई तो सभी एक साथ नजर आए। पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में अमृत महोत्सव को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश की जनता ने तिरंगा यात्रा को भी सफल बनाया। इस समय देश में अमृत महोत्सव की अमृत धारा बह रही है। इसके साथ ही पूरे देश में अमृत सरोवर बनाने को लेकर भी तेजी से काम हो रहा है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश को इस अमृत सरोवर अभियान के अलावा सभी को अगले महीने सितंबर में शुरू हो रहे पोषण अभियान में भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। इस अभियान के तहत देश से कुपोषण को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप आने वाले पोषण माह में कुपोषण को दूर करने के प्रयासों में हिस्सा जरूर लें। पीएम मोदी ने कहा कि असम के बोंगाई गांव में एक दिलचस्प परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है प्रोजेक्ट संपूर्ण। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद कुपोषण के खिलाफ लड़ाई है। इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्र में स्वस्थ बच्चे की माँ किसी कुपोषित बच्चे की माँ से हफ्ते में एक बार मिलती है। इस दौरान वो पोषण से संबंधित जानकारी भी साझा करती है। आपको बता दें, इस पहल के चलते एक साल में करीब 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित कर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में मोटे अनाज का क्रेज बढ़ रहा है। मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे कृषि, संस्कृति और आबादी का हिस्सा रहे हैं। हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ानी है। आपको बता दें कि हर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के चैनल पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। प्रसार भारती अपने आकाशवाणी नेटवर्क पर इस कार्यक्रम को 23 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारित करता है ताकि देश के हर नागरिक तक पीएम मोदी की बातें सरलता के साथ पहुंच सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।